हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूमस। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आर 19th लेक्चर ऑफ फसाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड एलर्जेंस के बारे में, मतलब जिनसे कि फूड एलर्जीज होती है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, क्या पूरा एक प्रोसीजर होता है कि कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है किसी भी फूड को लेके, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो भी हमारे हेल्थ रिस्क होते हैं, उसको हम कैसे एलिवेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्दी डाइट। एक अच्छी डाइट की हेल्प से हम कैसे अपनी जो डिजीज़ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे जो बॉडी में होती है हमारा कैंसर हो गया, हार्ट अटैक जो होता है, इन सारी डिजीज़ को हम कैसे मतलब एक तरह से अवॉइड कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्दी डाइट। तो इस सब को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ edumusk1008। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आर मेल आईडी, दैट इज़ edumusk1008। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड एलर्जेंस के बारे में। तो फूड एलर्जेंस जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जो कि जैसे कुछ फूड सब्सटेंस जो कि प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, उनको जो हमारी बॉडी होती है ना, वो मतलब एक तरह से मिस्टेकनली ये बिलीव कर लेती कि इस फूड से हमें एलर्जी है या ये हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, मतलब गलती से ये समझ लेता है कि ये जो फूड है ये हमारे लिए हार्मफुल है, और उसकी वजह से वो मतलब एक तरह से जो इम्यूनोग्लोबिन ई हमारा एक मतलब एक तरह से ये एक मेडिकेट एंटीबॉडी है हमारी, जो कि मतलब एक पॉड जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा नंबर में क्या है एंटीबॉडीज़ को जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो मतलब फूड होता है उसकी तरफ हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से रिएक्ट करती है कि वो हमारी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन क्या है, एक तरीके हमारी क्या एंटीबॉडी है, जो कि हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा नंबर में एक तरह से मतलब एक्टिव हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, तो उससे क्या होता है हमारी जो बॉडी है उसको ये मतलब ये इस तरह से जनरेट होती है हमारी बॉडी में जब भी हमें कोई खतरा होता है। जैसे अगर कोई हमें इन्फेक्शन हो जाए पैरासाइट से या किसी भी उससे, तो उस टाइम पे भी हमारा यही जो एंटीबॉडी होता है यही लार्ज नंबर में एक तरह से प्रोड्यूस होता है। तो इस टाइम पे भी जब फूड एलर्जी हमारी होती हो रही होती है, उस टाइम पे भी हमारा क्या है ये जो इम्यूनोग्लोबिन ई है ये एक तरह से मीडिएट होता है, एक मतलब और ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है। हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या कर देती हैं हमारी बॉडी को और एक तरह से ट्रिगर अप कर देती हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो एलर्जेटिक रिएक्शंस देती है, और कई बार ये माइल्ड सिम्टम्स देने के साथ साथ क्या है लाइफ थ्रेटनिंग शॉक्स भी होते हैं हमारे, मतलब एक तरह से क्या होता है कि किसी किसी को सीवियर हो जाता है, किसी किसी को बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं इससे। ठीक है, और जो ये पोटेंशियल होता है ना कि किस तरीके की एलर्जिक रिएक्शन होगी, मतलब किस कौन कौन सा मटेरियल, कौन सा फूड प्रोडक्ट हमारा बॉडी को किस तरीके से हिट करेगा, इसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं एलर्जेनिसिटी कहते हैं। ठीक है, कि हमारा जो बॉडी का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स एनी फूड प्रोडक्ट्स वो कितना पोटेंशियल से है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ई के बारे में बताया गया कि एक एंटीबॉडी है जो कि बॉडी जो है हमारी इम्यून सिस्टम के तो के रिस्पॉन्स में क्या करती है प्रोड्यूस करती है, अगर हमें कोई भी थ्रेट होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है उसकी तरफ हमारी जो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन ई है। ठीक है, हमारे हमने ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे 14 मेन एलर्जेंस होते हैं, जैसे नट्स, पीनट्स, एग, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे। ठीक है, ये सारे जो हैं ये 14 मेन एलर्जेंस हैं जो कि रेगुलरली मतलब लोगों को ऐसा मतलब एलर्जी जो होती है इनसे प्रोड्यूस हुई है, इनसे क्रिएट हुई है कई बार, तो इनको एक तरह से ऐसे लिस्ट में डाला गया है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे लोग जनरली एक तरह से एलर्जेटिक होते हैं। अब हमारे फूड एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं कि इचिंग होना माउथ में, लिप्स और टंग्स का स्वेलअप हो जाना, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है। ठीक है, उसके बाद टाइटनिंग ऑफ द थ्रोट और ट्रबल ब्रीदिंग, मतलब थ्रोट जो है उसमें मतलब टाइटनिंग होती है, हमारा सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वर्जनिंग ऑफ एक्जिमा, मतलब ये क्या है हमारा ये एक पॉइंट है कि जब हमारी बॉडी क्या होती है बहुत ज़्यादा इच करने लगती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें इचिंग होने लगती है, तो ये होती है हमारे एक्जिमा की कंडीशन। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे सिम्टम्स होते हैं फूड एलर्जी की तरफ।
अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ फूड एलर्जेंस होते हैं जो कॉमन होते हैं सब में, जैसे इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, एडल्ट्स को किससे होती है, ठीक है। तो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो होते हैं हमारे, उसको एग, मिल्क, पीनट, ट्री नट, वॉलनट्स, सोया, ठीक है, या वीट, इन सबसे हमारे जो मतलब जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको इन चीज़ों से वो एलर्जेटिक हो सकते हैं, उनको एलर्जी हो सकती है। एडल्ट्स को जनरली हमारा जो जितने ये होते हैं हमारे सी फूड जो होता है उसमें से कुछ, जैसे लॉबस्टर, क्रैब, क्रेफिश, श्रिम्प, शेलफिश, ऐसे ऐसे जो चीज़ें होती हैं उससे हमारे एडल्ट को जितना सी फूड जो है उसके जो कुछ टाइप्स हैं उससे, पीनट से, ट्री नट से, फिश, जो सैल्मन जो हमारी फिश होती है उससे, तो ये एडल्ट्स को इससे हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो मतलब जनरली ऐसा होता है कि बच्चों को जो एलर्जी होती है बचपन में, जरूरी नहीं है कि वो लंबे लंबे टाइम तक चले, लेकिन अगर वो एडल्ट्स को हो जाती है तो वो क्या होता है, वो लाइफ टाइम एलर्जी होती है, ठीक है। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो एलर्जी होती है वो जनरली मतलब क्या होता है कि वो मतलब उसी टाइम पे के लिए होती है, लेकिन अगर एडल्ट्स में कोई एलर्जी डेवलप होती है तो वो फिर लाइफ टाइम चलती है। अब आता है हमारा एनाफिलेक्सिस। एनाफिलेक्सिस क्या है, ये एक सीवियर या मतलब एक तरह से सीवियर जो एलर्जेटिक रिएक्शन आता है, एक एलर्जिक रिएक्शन जो बनता है हमारा, बहुत सीवियर जो होता है उसको कहते हैं हम एनाफिलेक्सिस। ये कब होता है यूजुअली, कि जब हम कोई एलर्जन खा लेते हैं, कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिस जो कि एलर्जिक हो सकता है, तो उस फूड से क्या होता है हमारी जो बॉडी है वो कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों के बाद जो हमें एलर्जी डेवलप होती है, जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके, वो उनको क्या कहते हैं हम, एनाफिलेक्सिस कहते हैं। और साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हमारे, कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमारा इची या टिकली थ्रॉट हो सकता है, मतलब खुजली होती है जो, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता ही दिया है, स्नीजिंग होना बहुत, और वो टाइम के साथ और ख़राब होता जाना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, ठीक है, नोज़ और आई स्ट्रीमिंग मतलब बहने लग जाते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या मेडिकेशन हम ले सकते हैं फूड एलर्जी के लिए, तो दो टाइप के मेडिकेशन होती है हमारी, जो कि हमारे जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं, एलर्जिक रिएक्शन जो होती है फूड से, उसके लिए हमारे लिए रिलीफ दे सकते हैं हमें। तो सबसे पहला आता है हमारा एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन क्या है, वो जो माइल्ड से मॉडरेट जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। वो क्या करता है हमारा, कि जो इफेक्ट होता है हिस्टामाइन का उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमारा जो एलर्जिक रिएक्शन है वो वहीं पर रुक जाता है, जो मतलब जो इस चीज़ के लिए रिएक्टिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो वहीं पर रोक दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हमारा एडेनालाइंस। एडेनालाइंस क्या होते हैं, जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना हमारे, जो कि एनाफिलेक्सिस से हो सकते हैं, मतलब जिस चीज़ को हम एनाफिलेक्सिस कहते हैं, जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं हमारे, उसको ट्रीट करने के लिए हमारा एडेनालाइंस होते हैं। एडेनालाइन क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको नैरो कर देते हैं, जस्ट टू काउंटर एक्ट टू द लो ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसको काउंटरेक्ट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए उसके इफेक्ट्स को, तो क्या कर दिया जाता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं और जो एयर वेज हैं उनको ओपन कर दिया जाता है, जस्ट टू हेल्प इन ईज ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, जो हमारी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं उनको कम करने के लिए और उनको उसमें हेल्प करने के लिए, कि जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो उस पर रिलीफ मिल सके, उसके लिए क्या है, एयर वेज ओपन कर दिए जाते हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नैरो कर दिया जाता है। अब आता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो कि स्प्रेड नहीं होती है पर्सन टू पर्सन, इसको क्रॉनिक डिजीज़ भी कहा जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, जो पर्सन है उसको किसी भी एज पे अफेक्ट कर सकती है, किसी भी एज, किसी भी रिलीजन, किसी भी कंट्री, किसी भी ग्रुप का, ठीक है। तो उसके लिए हमारा ये नहीं है कि मतलब वो ऐसे कंटेजियस डिजीज़ है कि मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। और इसके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इसके अंदर हमारी ऑटो इम्यून डिजीज, हमारी हार्ट डिजीज आ सकती है, मोस्ट कैंसर डिजीज होते हैं, डायबिटीज, ये सारी जो डिजीज है हमारी, अल्जाइमर, कैटरेक्ट्स, ये सारी डिजीज हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। इन जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं इसके रिस्क को कम करने के लिए हमारे कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि हमारा जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल हम का ही इनटेक करें हम। उसके बाद फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ फिश, की फिश का इनटेक फ्रीक्वेंट हो। हमारी जो डाइट है वो रिच होनी चाहिए होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, फिश, लो रिफाइंड ग्रेन्स, प्रोसेस्ड मीट, स्वीट्स, डेजर्ट, स्वीट एंड ड्रिंक्स, ये सारी हमारी डाइट के अंदर होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको हम उसका जो रिस्क है उसको लोअर अप कर सकें, उसको एलिवेट कर सकें। अब डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ रिस्क को एलिवेट करने के लिए, हेल्थ रिस्क को घटाने के लिए, तो यही है कि अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे तो उससे हमारी हेल्थ जो है वो गुड रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है।
हेल्दी डाइट जो है हमें बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी बचाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर। तो इसलिए हेल्दी डाइट जो है वो हमारा मतलब एक मेन रोल प्ले करता है कि हेल्दी और न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं हम तो हमारा मतलब जो हेल्थ है वो बेटर रहता है, अच्छा रहता है। तो उसको बनाए रखने के लिए हमें वही है कि वेजिटेबल्स खाने चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, बीन्स, पीज, रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, मतलब कलरफुल होना चाहिए हमारा पूरा जो बोल है उसके अंदर प्रॉपर जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स दैट इंक्लूड होल फ्रूट, फ्रेश और फ्रोजन फ्रूट्स बट नॉट कैंड वंस डिप्ड इन सिरप, मतलब एक तरह से प्रोसेस जो हमारा आता है जो कैंस आते हैं हमारे, ऐसा ऐसा फ्रूट जूस वगैरह नहीं होना चाहिए, होल फ्रूट खाना चाहिए, फ्रेश या फ्रोजन फ्रूट खाना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद ग्रेन्स जो है हमारे वो होल या रिफाइंड ग्रेन्स होने चाहिए। उसके बाद प्रोटीन जो है जैसे कि लीन बीफ, पॉक, चिकन, फिश, बीन्स, पीज, लेग्यूम्स, ये सब होना चाहिए प्रोटीन में, प्रोटीन की जो डाइट है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे लो फैट मिल्क, योगर्ट, कॉटेज चीज, सोया मिल्क, ये सारी चीज़ें हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें इंटेक करनी चाहिए फॉर द हेल्दी डाइट। अब इसमें हमारे यहाँ बेनिफिट्स क्या क्या है हेल्दी डाइट के, तो सबसे पहला तो हमें डिजीज से और इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे वेट को कंट्रोल रखता है, क्योंकि वेट बढ़ने से भी, ओबेसिटी होने से भी हमारे बहुत सारे हेल्थ रिस्क होने के चांसेस रहते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करके रखता है कि हमारा जो अच्छा खाते हैं तो उससे हमारा जैसे एनजाइटी, डिप्रेशन जो है उस चीज़ को क्योर करने में, या फिर उस चीज़ का जो इफेक्ट है वो कम होता है कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, हमारा जो बॉडी है, ब्रेन है, सब अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी हेल्दी डाइट लें, गुड फॉर ग्रोथ। एक बैलेंस डाइट जो होती है वो चिल्ड्रन या एडोलसेंट जो होते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेटर स्किन एंड हेयर के लिए हमें बैलेंस डाइट ही जो है वो इंटेक करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।